कोरबा में दिन दहाड़े सराफा व्यवसायी के साथ दुकान में घुसकर मारपीट करने की बड़ी घटना सामने आ रही है। सराफा व्यवसायी को घायल अवस्था में उपचार हेतु निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका उपचार जारी है। वहीं पुलिस मौके पर पहुंच मामले की जांच में जुट गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार कोरबा पावर हाउस रोड लक्ष्मी ज्वेलर्स के संचालक विनोद सोनी द्वारा आज सुबह लगभग 12:30 बजे दुकान का संचालन किया जा रहा था। इसी बीच रिपेयरिंग के नाम पर एक युवक लक्ष्मी ज्वेलर्स में आया और ज्वेलरी की रिपेयरिंग करवाने की बात कहने लगा, और इसी बीच अज्ञात युवक द्वारा दुकान संचालक के ऊपर हथौड़े से ताबड़तोड़ 7 से 8 बार वार कर दिया गया। इस हमले से दुकान संचालक के सिर पर गंभीर चोटें आई हैं, जिसे उपचार के लिए कोरबा के निजी चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। वहीं घटना की सूचना प्राप्त होते ही पुलिस मौके पर पहुंच घटना के संबंध में जानकारी जुटा रही है। इस घटना के संबंध में पुलिस की जांच और संचालक के कथन को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पुलिस की जांच के बाद ही घटना के वास्तविक कारणों का खुलासा हो पाएगा। वहीं दिन दहाड़े इस तरह के प्राणघातक हमले को लेकर शहर के व्यापारियों के बीच एक बार फिर दहशत का माहौल व्याप्त हो गया है। 12 बजे दिन की बात है, यहाँ हमारे जो है सराफा के सदस्य हैं, जिनकी दुकान लक्ष्मी ज्वेलर्स के नाम से है, जिनके संचालक विनोद जी सोनी है, कोई अज्ञात व्यक्ति के द्वारा 12:30 बजे के करीब जो है रिपेयरिंग के रूप में जो है ग्राहक बन करके आया। आने के बाद में जैसे ही जो है ग्राहक से सामान लिए हैं और लेने के बाद रिपेयरिंग करना चाहे, वैसे ही जो है उनके ऊपर में लगभग जो है हथौड़े के द्वारा जो है 7 से 8 बार सिर के ऊपर प्रहार किया गया, और प्रहार करने के बाद में वो व्यक्ति जो है हथौड़े को लेकर के तुरंत जो है यहाँ से भाग गया, और भागते समय जो है वो किसी प्रकार का कोई व्हीकल गाड़ी भी नहीं था, पैदल था, दौड़ते हुए भाग गया, कोई पकड़ भी नहीं पाया उसको। घटना की जैसी हमें जानकारी मिली और भाई बहन को जानकारी मिली, भाई बहन लेकर के गए उनको हॉस्पिटल, और हॉस्पिटल में जो है अभी जो खबर आई है उसके अनुसार जो है जहाँ जहाँ सिर में हथौड़ा पड़ा वहाँ वहाँ जो है गहरा घाव बन गया है। सिर्फ अकेले थे, क्योंकि क्या है विनोद जी जो है दुकान खोलने के लिए लगभग 11:30 बजे दुकान खोलने के लिए आए थे, 2-3 दिन से दुकान बंद थी। कारण यह था कि वो अपने कोई पारिवारिक शादी में जो है अमरकंटक गए थे, वो 3 दिन के बाद आज दुकान खोलने के लिए आए। क्योंकि कैमरा तो एक कैमरा दुकान में लगा हुआ है, लेकिन वो 3 दिन से दुकान बंद होने के कारण वो चार्जिंग वगैरह नहीं हो पाया था या लग नहीं पाया था, क्या कारण था अभी समझ में नहीं आया। सामान कुछ नहीं लेकर के गया, बस प्रहार करके गया। अभी क्योंकि विनोद जी जो है हॉस्पिटल गए हुए हैं और काफ़ी गहरा चोट लगा है उनके ऊपर में, और चोट के कारण जो है काफ़ी खून भी बहा है, और डॉक्टर के द्वारा इलाज जारी है, और थोड़ी देर के बाद में जैसे ही जो है वो इस स्थिति में आएंगे कि कुछ कह पाए या बता पाए तब पता चलेगा कि आखिर मामला क्या। देखिए सुरक्षा के हिसाब से अगर देखा जाए तो पुलिस तो अपना काम करती है, जो कि उसको अपना हर व्यक्ति के पीछे तो सुरक्षा दिया नहीं जा सकता, ये संभव नहीं है, ये आप भी जानते हैं हम भी मानते हैं। अब अचानक से कोई इस तरीके से घटना करके चला जाए ये किसी को पता नहीं रहता है, और वो व्यक्ति कौन था वो भी अभी पता नहीं है, और उसकी मानसिक स्थिति क्या है, या चोरी की नीयत से या लूट की नीयत से आया या कोई पुरानी रंजिश थी, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। जब तक जो है विनोद जी जो है हमें कुछ बताएंगे नहीं, उस हिसाब से ही हम बता पाएंगे कि आगे की क्या होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, BNN24 न्यूज, कोरबा।